हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, या फिर इसको जनरली हम बोलते हैं ARP। नाउ सिंस द इंटरनेट प्रोटोकॉल यूजेस द सर्विस ऑफ डाटा लिंक लेयर, इट नीड्स टू नो द फिजिकल एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप, एंड दिस थिंग इज डन विद द यूज ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और ARP। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ARP क्या करता है, ARP एसोसिएट्स एन IP एड्रेस विद द फिजिकल एड्रेस, या फिर लॉजिकल एड्रेस की जो मैपिंग होती है फिजिकल एड्रेस में वो ARP करता है। सो दिस मैपिंग इज डन बाय एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और ARP। अब देखो, मैपिंग ऑफ IP एड्रेस इनटू फिजिकल और MAC एड्रेस कैन बी डन इन टू डिफरेंट वेज। पहला तो है स्टैटिक मैपिंग। नाउ स्टैटिक मैपिंग का मतलब क्या होता है, इन दिस अ टेबल इज क्रिएटेड विद लॉजिकल एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो एक टेबल क्रिएट कर देते हैं जिसमें कि लॉजिकल और उसका कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस होता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि जब भी किसी मशीन को किसी IP एड्रेस का कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस पता करना होता है तो उसको इस टेबल को एक्सेस करना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही किसी का अगर फिजिकल एड्रेस चेंज हुआ, किसी ने अगर कोई नया NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चेंज किया, तो उसको इस टेबल के अंदर मैपिंग करनी पड़ेगी। और अगर गलती से वो मैपिंग करना भूल गया या इसमें अपडेट करना भूल गया तो वो जो IP एड्रेस है वो अब भी पुराने वाले फिजिकल एड्रेस को ही पॉइंट करेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती थी स्टैटिक मैपिंग के अंदर, इसलिए डायनेमिक मैपिंग यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ईच टाइम अ मशीन नोज द लॉजिकल एड्रेस ऑफ अनदर मशीन। इसका मतलब है कि कभी भी अगर एक मशीन को दूसरी मशीन का लॉजिकल एड्रेस पता है, देन दैट मशीन कैन यूज आ प्रोटोकॉल टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस। And this dynamic mapping is implemented in two protocols. One is ARP, जो logical से physical करता है, और इसी का उल्टा जो physical से logical करता है RARP, reverse address resolution protocol. ठीक है, so this is the basic theory of ARP. Now we will see how this ARP protocol works. What is the working of this ARP protocol? So the ARP accepts a logical address from the IP protocol. So it accepts logical address from IP protocol, then maps the address to the corresponding physical address, जो हमने कहा logical से physical की mapping, and then pass it on to the data link layer. तो basically ARP protocol simply क्या कर रहा है, logical address को accept कर रहा है, then उसको उसके corresponding physical address से map कर रहा है और आगे पास ऑन कर रहे हैं। अब इसको हम शो कैसे कर सकते हैं, इसकी एक्चुअल वर्किंग होती कैसे है, सो उसके लिए एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एंड उससे आपको काफ़ी क्लियर होगा कि कैसे इसकी वर्किंग एक्चुअली होती है। सो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मशीन है M1, और ये मशीन किसी दूसरी मशीन जो कि है M2 उसका फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना चाहती है। ठीक है, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड लाइक दिस, ये सब ऐसे कनेक्टेड हैं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे बाकी मशीन्स भी होंगी कुछ, सपोज इट हैज़ दिस M3, M4 और M5, यहाँ पे कुछ और मशीन्स भी हैं।
अब क्या होगा, M1 को M2 का फिजिकल एड्रेस पता करना है, तो M1 क्या करेगा, M1 विल सेंड अ ARP रिक्वेस्ट, M1 विल सेंड अ ARP रिक्वेस्ट पैकेट, एंड ये वाला पैकेट यहाँ से एक एक करके सब के पास जाएगा, ये वाला पैकेट सब मशीन्स के पास जाएगा। बट इस पैकेट के अंदर, इस रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, इट विल हैव 3 इन्फॉर्मेशन बेसिकली। वन इज IP एड्रेस ऑफ M1, सो M1 IP एड्रेस, M1 फिजिकल एड्रेस, एंड M2 IP एड्रेस। तो इस ARP रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर 3 इन्फॉर्मेशन है, इसका लॉजिकल और फिजिकल दोनों, एंड इंटेंडेड रेसिपिएंट का IP एड्रेस। अब क्या होगा, ये वाला पैकेट यहाँ से ट्रेवल करना शुरू किया, सबसे पहले M3 के पास पहुँचेगा, M3 अपने IP एड्रेस से इसको मैच करेगा, नहीं मैच हुआ आगे चला गया, ऐसे M4 ने मैच किया, M5 ने मैच किया, नहीं मैच हुआ, किससे मैच होगा, M2 से। सो M2 इन रिस्पॉन्स विल सेंड वन ARP रिस्पॉन्स पैकेट, एंड दिस रिस्पॉन्स पैकेट विल नाउ कंटेन, अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दिस विल ऑल्सो कंटेन M2 IP एंड M2 फिजिकल एड्रेस। ठीक है, सो इस तरह से IP एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की मैपिंग होती है, कि M1 ने रिक्वेस्ट पैकेट भेजा जिसमें M2 का IP एड्रेस था और उसकी अपनी पर्सनल डिटेल्स थी, M2 ने यहाँ पे उस पैकेट को रिसीव किया और रिस्पॉन्स में उसने अपने IP एड्रेस के साथ साथ फिजिकल एड्रेस को भी सेंड कर दिया। सो दिस इज़ द कंप्लीट वर्किंग ऑफ ARP। बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ARP रिक्वेस्ट होती है, ये कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स में काम आता है, ARP रिक्वेस्ट मैसेज इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट, क्योंकि हम सबको भेज रहे हैं, जबकि ARP का जो रिस्पॉन्स होता है, जो रिस्पॉन्स आता है वो यूनिकास्ट होता है, क्योंकि M2 जब भेजेगा वो डायरेक्ट M1 को भेजेगा, जबकि M1 जब भेज रहा है तो वो सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सो दिस इज हाउ, डेट इज हाउ द ARP प्रोटोकॉल वर्क्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है ARP प्रोटोकॉल, आप इस पूरे डायग्राम को बना सकते हैं, देन यू कैन एक्सप्लेन द वर्किंग इन योर इंग्लिश और इन योर लैंग्वेज। सो यहाँ पे मैंने इस पूरे ऑपरेशन की थ्योरी भी लिखी है, अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सो इट सेज एनी टाइम अ होस्ट और राउटर नीड्स टू फाइंड अ फिजिकल एड्रेस ऑफ अनदर होस्ट और राउटर ऑन इट्स नेटवर्क, इट सेंड्स एन ARP क्यूरी पैकेट, जैसे कि हमने कहा था ARP रिक्वेस्ट पैकेट, द पैकेट्स इंक्लूड्स द फिजिकल एंड IP एड्रेस ऑफ द सेंडर, जैसे M1 का था, एंड द IP एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जैसे M2 का IP एड्रेस था। नाउ द क्यूरी इज ब्रॉडकास्ट द नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट की गई थी। व्हेन द इंटेंडेड रिसिपिएंट रिकॉग्नाइजेस IP एड्रेस, M2 ने किया, इट सेंड्स बैक एन ARP रिस्पॉन्स विच कंटेन्स बोथ फिजिकल एंड IP एड्रेस, बोथ IP एंड फिजिकल एड्रेस। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ दिस ARP ऑपरेशन। सो द नेक्स्ट इज ARP पैकेट फॉर्मेट। सो ये ARP का एक पैकेट का फॉर्मेट है। सो कुछ फील्ड्स है इसमें, सबसे पहले है कि इसमें हार्डवेयर टाइप। नाउ हार्डवेयर टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ नेटवर्क। सो सिंपल हम लिख देंगे यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क। तो जिस टाइप के नेटवर्क पे ARP रन कर रहा है वो यहाँ पे मेंशन होता है। देन प्रोटोकॉल टाइप, सिंपल से पता लग रहा है कि मैं किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड फॉर IPv4 इज 080016। सो आइदर IPv4 और IPv6 किस टाइप के प्रोटोकॉल के ऊपर ARP रन कर रहा है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसके बाद हार्डवेयर लेंथ, इट इज डिफाइनिंग द लेंथ ऑफ द फिजिकल एड्रेस। सो लेंथ ऑफ फिजिकल एड्रेस, ठीक है। देन प्रोटोकॉल लेंथ, सो इट शोज द लेंथ ऑफ द लॉजिकल
address. So length of logical address. So hardware length, length of physical address, protocol length, length of logical address. इसके बाद ऑपरेशन या तो रिक्वेस्ट होगा एआरपी का या फिर रिप्लाई होगा. सो अगर रिक्वेस्ट है तो उसकी वैल्यू आप क्या सेट करोगे, 1, और अगर रिप्लाई है तो उसकी वैल्यू क्या सेट करोगे, 2. देन इसका सिंपल है, इसमें सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर. सो फिजिकल एड्रेस ऑफ सेंडर, देन सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, दिस इज लॉजिकल और आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर. लॉजिकल और आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर, देन टारगेट हार्डवेयर एड्रेस. सो जनरली इट इज नॉट फिल्ड इन अ रिक्वेस्ट, सो इट इज नॉट फिल्ड इन रिक्वेस्ट मैसेज, कि अगर रिक्वेस्ट करें तो इसको हम फिल नहीं करेंगे, जबकि अगर रिप्लाई है तो ये फिल्ड होके आएगा. देन टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज नथिंग बट दिस इज द रेसिपिएंट आईपी और लॉजिकल एड्रेस. तो ये एआरपी का पैकेट फॉर्मेट है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एआरपी पार्ट. और अगर हम एआरपी में ही रिवर्स कर देते हैं कि फिजिकल टू लॉजिकल मैपिंग, देन इट इज कॉल्ड एज आरएआरपी. देन इट इज कॉल्ड एज आरएआरपी. सो द नेक्स्ट इज आरएआरपी, विच इज रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. सो इट एक्चुअली मैप्स द फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस टू द लॉजिकल और आईपी एड्रेस. ये जो मैपिंग होती है फिजिकल से लॉजिकल की, वो कौन करता है, आरएआरपी. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, ये डिवाइस ए है, देन वी हैव दिस डिवाइस बी, डिवाइस सी, और एक है डिवाइस डी, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड विथ सम राउटर, यू कैन से राउटर. और जो डिवाइस डी है ये एक तरह का आरएआरपी सर्वर भी है. सो दिस डिवाइस डी इज आरएआरपी सर्वर. तो अब देखो इसमें काम कैसे होता है, कि ए जो है, ए एक आरएआरपी के रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरा फिजिकल एड्रेस कुछ है. सपोज ये कहता है मेरा फिजिकल एड्रेस है 1, 2, तो मेरे को मेरा लॉजिकल या आईपी एड्रेस बताओ, ताकि वो उसको यूज़ करके आगे फर्दर कम्युनिकेशन कर सके. तो ये जो राउटर है या जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये इस पैकेट को भेजेगा डी के पास, जो कि एक आरएआरपी सर्वर है. यहाँ से एक रिस्पॉन्स जाएगा जिसके अंदर इसका लॉजिकल या फिर आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड होगा. सो इन दिस वे इट इज़ डन, कि एक आरएआरपी सर्वर है वो आपको लॉजिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, सो दिस इज आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड अबाउट एआरपी, एआरपी पैकेट फॉर्मेट हमने देखा, देन वी हैव सीन द ऑपरेशन ऑफ एआरपी एंड ऑल्सो आरएआरपी. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such